हाजिर हैं एक और नया वीडियो लेकर। और आज के इस वीडियो में हम लोग आपको रिवाइंडिंग करके दिखाने वाले हैं एक 18 इंची एग्जस्ट फैन का मोटर। जैसा कि आप लोग ये स्टेटर मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये हमारा एक 18 इंची एग्जस्ट फैन का मोटर है। और आज की इसी वीडियो में हम इसे एल्युमिनियम वायर से आपको रिवाइंड करके दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ इसका स्टार्टिंग और रनिंग का कम्प्लीट रिवाइंडिंग डाटा आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें। तो देखिए, जब भी हमारे पास कोई भी स्टेटर रिवाइंडिंग के लिए आता है तो उसका डायमेंशन यानी स्टेटर का इनर डाया क्या है, आउटर डाया क्या है और स्टम्पिंग की मोटाई कितनी है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके हिसाब से हमारा डाटा चेंज हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसका स्टम्पिंग की मोटाई के बारे में। तो ये हमारा है 1.5 इंची कोर का हमारा ये स्टेटर है, यानी स्टिक स्टम्पिंग की मोटाई 1.5 इंची है। अब बात करते हैं हम इसके इनर डाया के बारे में। तो इसका इनर डाया जो खाली वाला भाग रहता है वो उसे हम इनर डाया बोलते हैं, जहाँ पर हमारा रोटर चलता है। तो ये हमारा 3 इंची इसका इनर डाया है और आउटर डाया हमारा कंप्लीट स्टेटर होता है, तो वो हमारा 5 इंची है। तो ये डिटेल हो गया हमारा इसका स्टेटर के बारे में। अब देखिए, यहाँ पर मैंने इसका पहले हम जो बाइंडिंग करते हैं वो रनिंग बाइंडिंग करते हैं। तो रनिंग बाइंडिंग के लिए यहाँ पर मैंने 4 कॉइल पहले से बनाकर रखी हुई हैं, ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको जो जानकारी चाहिए वो प्रॉपर तरीके से मिल सके। तो देखिए, यहाँ पर रनिंग के लिए आपको 4 कॉइल इस तरह से बना लेनी है। और इसे बनाने के लिए मैंने जो वायर नंबर यूज़ किया है वो 26 नंबर एल्युमिनियम वायर का यूज़ किया है। और एक कॉइल में हमने जो टर्न दिए हैं, यानी एक कॉइल में जो टर्न की संख्या हमारी 75 यानी 75 टर्न के साथ हमने एक कॉइल को बनाया हुआ है। और इसकी कॉइल की गोलाई में जो लंबाई हमने रखी हुई है वो टोटल 41.5 इंच रखी हुई है। तो ये हो गया हमारा कॉइल का टर्न और कॉइल की गोलाई में जो कि हमारी लंबाई है। अब बात करते हैं हम इस कॉइल को किस तरह से आपको स्टेटर में डालना है। तो ये स्टेटर हमारा 24 स्लॉट का है। इसे हम ये जो कॉइल हमने बनाई है 26 नंबर से एक कॉइल में 75 टर्न देकर, तो इसे हमें 1 से 4 की कॉइल पिच लेना है इस तरह से। और इसे हमें 1 से 4 की कॉइल पिच में कॉइल को 2 बार घुमाना है इस तरह से। जब हमारा 1 से 4 की कॉइल पिच में 2 बार जब हम घुमा कंप्लीट कर देंगे, फिर हमें कॉइल पिच 1 से 6 की लेना है। और 1 से 6 की कॉइल पिच में हमें बाकी की जो कॉइल हमारी बचेगी उसे 3 राउंड में फिनिश कर देना है। यानी इसकी कॉइल पिच हमारी जो रहेगी रनिंग की वो रहेगी 1 से 4 की कॉइल पिच में 2 राउंड और 1 से 6 की कॉइल पिच में 3 राउंड। तो इसके रनिंग के लिए हमने जो 4 कॉइल बनाई हुई हैं उनको सभी को हम इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका स्टार्टिंग का डाटा आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो देखिए, इस तरह से आपको 4 कॉइल का इंस्टॉलेशन कर लेना है, जो कि मैंने यहाँ पर 4 कॉइल इसमें डाल दी हैं। और इसे बनाने के लिए जो डाटा हमने यूज किया है उसे हम दोबारा आप लोगों को बता देते हैं। 26 नंबर एल्युमिनियम वायर, 1 से 4 की कॉइल पिच में 2 बार, 1 से 6 में 3 बार, और एक कॉइल में टर्न की संख्या है 75 और कॉइल की गोलाई में लंबाई है 41.5 इंच। तो इस तरह से हमने इसका इंस्टॉलेशन एकदम कंप्लीट कर दिया है। अब बात करते हैं हम इसके स्टार्टिंग बाइंडिंग डाटा के बारे में। तो स्टार्टिंग बनाने के लिए हमने इसमें 28 नंबर का एल्युमिनियम वायर से 4 कॉइल यहाँ पर बनाई हुई हैं, जो कि हमने टर्न इसमें रखे हुए हैं 95 टर्न इसमें एक कॉइल में रखे हुए हैं। और कॉइल की गोलाई में जो लंबाई हमने रखी है वो रखी है 34 इंच। तो इस तरह से आपको बना लेना है। और कॉइल इंस्टॉलेशन इसका जो रहेगा स्टार्टिंग का 1 से 4 में 1 बार और 1 से 6 में 3 बार, इस तरह से इसे भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए, इन सभी कॉइल को आपको जो कॉइल पिच इंस्टॉल करने की है वो भी हमने आपको बता दी है किस तरह से इसे इंस्टॉल करनी है। और कंप्लीट डाटा हमारा हो गया है, तो इस तरह से इसको आपको रिवाइंड करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।